नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी के गांव माजरा पहुंचकर देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का शिलान्यास कर हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा को एक भव्य सौगात देने वाले हैं। ऐसे में दक्षिण हरियाणा में बड़े उत्सव जैसा माहौल है। रेवाड़ी के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की अनोखी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने प्रेस वार्ता की और बताया कि किस तरह से अनोखे ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी पहुंचने पर स्वागत होने वाला है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री जी एम्स का शिलान्यास करने के लिए तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। बीच में विधानसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए भी आए थे। दलीप शास्त्री जी हैं, सुरेश सैनी जी हैं, शैलेंद्र सतीजा जी हैं। हम प्रधानमंत्री जी का 11 ब्राह्मणों से शंखनाद करके पूरे अंग वस्त्र पहना करके जो ब्राह्मण जिस तरीके से रिसीव करते हैं उस तरीके से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और एम्स का जो शिलान्यास सरकारी तौर पर तो होगा ही, लेकिन रेवाड़ी के ब्राह्मण विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ एम्स के शिलान्यास पर भी अपनी शंख ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और शिलान्यास में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी रेवाड़ी के 151 ब्राह्मणों ने 365 दिन रोज पूजा करके और डेली प्रधानमंत्री कार्यालय पर चावल भेजे थे। जो यहाँ से जो पूजा होती थी वो रोज बाईपोस्ट जाती थी, जो प्रधानमंत्री के पास स्वयं जाती थी। 365 दिन तक दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने की जो मन्नत मांगी, तो रेवाड़ी के ब्राह्मण, रेवाड़ी के मंदिरों का और रेवाड़ी के गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद जो प्रधानमंत्री पर रहा, उसी को आगे लगातार चलते हुए ये दलीप शास्त्री जी के नेतृत्व में ये उनका स्वागत का कार्यक्रम होगा।